निर्भया मामले के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोषियों को शुक्रवार तक केंद्र की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सीनियर वकील अंजना प्रकाश को दोषी पवन गुप्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं निर्भया के गुनाहगार विनय शर्मा की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। उसमें दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फैसले को चुनौती दी गई है। वकील एसपी सिंह के जरिए दायर अर्जी में विनय ने कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है और कानून मानसिक रोगी को फांसी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति ने 1 फरवरी को विनय की दया याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में विनय ने कहा कि तिहाड़ में लगातार टॉर्चर किए जाने से उसे इमेज साइकोलॉजिस्ट ट्रामा नाम की मानसिक बीमारी हो गई है। उसने जेल में इलाज के दस्तावेज देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की। उधर दोषियों का नया डेट वारंट जारी करने की मांग पर बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए याचिका दायर की गई है। अदालत में दोषी पवन गुप्ता ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है, इस पर अदालत ने उसे कानूनी मदद देने की पेशकश की है। दोषी को सहायता देने की बात पर निर्भया की मां ने कोर्ट में कहा कि मामले को 7 साल हो चुके हैं, मैं भी इंसान हूं, मेरे अधिकारों का क्या होगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, कृपया डेट वारंट जारी कर दीजिए। इसके बाद निर्भया की मां कोर्ट में रो पड़ी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि कोई भी दोषी अपनी आखिरी सांस तक कानूनी मदद पाने का हकदार है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को वकीलों की सूची दोषी पवन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं पवन को अपनी पसंद का वकील चुनने की इजाजत भी दी है। इसके बाद दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकरण ने पवन के पिता को वकीलों की सूची सौंपकर अपने वकील का चुनाव करने को कहा है। इससे पहले निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अदालत ने चारों दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की बेंच 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस सुनवाई का ट्रायल कोर्ट द्वारा नया डेथ वारंट जारी करने के मामले पर असर नहीं पड़ेगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।